हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे काम करें कि छोटी लड़की आसानी से पढ़ जाए। तो आज की वीडियो से टॉपिक है दोस्तों, देखो कुछ लड़के छोटी लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। और ऐसे इसी चक्कर में वो छोटी लड़की को इम्प्रेस करने के बारे में सोचते रहते हैं। अब छोटी मीन्स की ऐसी लड़की जो आपकी एज से 3 या 4 साल छोटी है, ठीक है, 1 या 2 साल छोटी है। तो ऐसी लड़की को आप आसानी से कैसे बता सकते हो, उसी के बारे में बात करूंगी। कुछ ऐसे काम जिससे उनको बताना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहला काम है कि आप उनके पेट का ख्याल रखो, क्योंकि मूवी का वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि कहते हैं कि लड़के के दिल तक जाने का रास्ता पेट के नीचे से होकर जाता है। इसी तरह से लड़कियों के दिल तक जाने का रास्ता ना उनके पेट से होता है। अगर आप उनके पेट का ख्याल रखते हो ना, तो इससे काफी हद तक लड़की इंप्रेस हो जाएगी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको पता है लड़कियां कितनी ज्यादा चटोरी होती है, खाने पीने की कितनी ज्यादा शौकीन होती है। और खास तौर पर जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो टीनेज गर्ल होती हैं, उनको तो इस चीज की ज्यादा ही शौक होता है, ठीक है। तो अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो तो आप चॉकलेट ले जाओ, या उनकी उनको कोई छोटी मोटी छोटी छोटी सी ट्रीट आप दे सकते हो, ठीक है। कभी कभी आप खिलाने ले जा सकते हो। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे ना, इस बात पर अगर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा, तो लड़की को ऐसा लगेगा कि आप उनके बारे में सोचते हो, ठीक है। तो इससे वो आपको पसंद करने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप बोलो कम और सुनो ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां थोड़ी सी इमोशनल तो होती हैं, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ वो थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप की होती है। वो पूरे दिन ना उनके बारे उनके दिमाग में ना अपने को लेकर बातें चलती रहती हैं। वो खुद के बारे में ही सोचती रहती हैं कि क्या चीज उनके लिए सही है क्या नहीं है। तो ऐसे में जब आप उनको सुनना पसंद करोगे ना, चाहे वो छोटी ही लड़की क्यों ना हो, तो इससे वो आपको पसंद करने लगेगी। हर एक लड़की को ये चीज अच्छी लगती है, कोई इसको सुने, ठीक है। वैसे भी लड़कियां 24 घंटे बोलती रहती हैं, बातों नहीं इतनी होती हैं कि उनको कोई सुनने वाला चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर आप सुनने वाले बनोगे ना, तो भी काफी हद तक लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा काम जो आप कर सकते हो कि जब आप छोटी लड़की के साथ हो ना, तो थोड़ी सी आप मैच्योरिटी दिखा सकते हो। मतलब कि लड़कियों को ना केयर करने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, जो उनकी केयर करते हैं, उनकी जरूरत का ध्यान रखते हैं, जो उनकी फिक्र करते हैं। तो आपके जो छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं, जो छोटे छोटे कामों से ही वो आपको पसंद करने लगते हैं। काम कैसे हो सकते हैं, जैसे कि साथ चल रहे हो तो थोड़ा सा केयर दिखाते हुए चलो, या साइड में चलो ना, उधर से साइकिल आ रही है, उधर से बस आ रही है, ठीक है। या कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो हाथ पकड़ कर चल सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों भैया तुम्हारे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, लाओ मैं हटा दूँ, मैं ठीक कर दूँ, तुम्हारी मदद कर दूँ। जो छोटे छोटे काम होते हैं वो उन्हीं से ही खुश हो जाते हैं, उनके लिए आपको ज्यादा बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो जिससे आप आसानी से लड़की को इम्प्रेस कर सको। इसके अलावा छोटी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप उनके साथ थोड़ा सा फन लविंग भी हो सकते हो। मतलब हंसी मजाक करना, उनको खुश करना, ठीक है, उनसे इस तरीके से चटपटी बातें करना जिससे उनको आपका साथ अच्छा लगे, वो आपके साथ में बिल्कुल फ्रेश माइंड में रहे, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे। और ऐसे लड़के जो होते हैं ना, उनसे लड़कियां जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, फिर चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिसे करने के बाद आप छोटी लड़की को आसानी से पटा सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।